नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कन्नौजिया और आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज। आइए रुख करते हैं खबर की ओर। कन्नौज में चुनाव के बाद राजनीतिक पार्टियों के समर्थकों के बीच हिंसा शुरू हो गई है। होली के हुड़दंग में हो रही शराबखोरी ने इसे और बढ़ा दिया है। यहां दो योगी सरकार बनने की खुशी मनाने पर भाजपा समर्थकों पर सपा समर्थकों ने पथराव कर दिया। पथराव करने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है। पथराव का यह वीडियो दो दिन पुराना बताया जा रहा। कन्नौज के तालग्राम थाना क्षेत्र अंतर्गत मायापुरवा का यह वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्टिव हुई है। पुलिस ने इस मामले में 24 नामजद सहित 46 पर मुकदमा दर्ज किया है। 5 आरोपी गिरफ्तार होकर जेल भी जा चुके हैं। सीओ सदर शिव प्रताप सिंह का कहना है कि उपद्रवियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कन्नौज से सीबू सैनी की रिपोर्ट। जनपद कन्नौज के थाना ताला ग्राम के अंतर्गत मायापुरवा ग्राम में दो पक्षों में होली मिलन समारोह के दौरान वाद विवाद हुआ, जिसमें मारपीट हुई। मौके से 5 व्यक्तियों को गिरफ्तारी करके विधिक कार्रवाई की गई। शेष जांच प्रचलित। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए तेजस 24 न्यूज़।